अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए हमें चाहिए, हम इसे बेक करके बना रहे हैं। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप कोई भी बड़े बर्तन में नमक डाल के, जो भी बेकिंग ट्रे है या आपके पास जो भी है भगोना टाइप जर्मन का, तो उसमें भी आप ये डाल के नमक, एक बड़े भगोने में नमक रख के उसमें उसके ऊपर रख के इसे ढक्कन ढक के बेक कर सकते। तो आज हम आपको ओवन में बता रहे हैं कैसे बेक करना। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है सुबह के लिए। तो चलिए हम इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा हम बताते हैं आपको। हमें सबसे पहले हमने ये 14 ब्रेड लिए हैं इस तरह के, इस इतने साइज वाले। अगर आप छोटे बड़े जो भी आप जो भी साइज के ले रहे हैं, तो आप अगर आप छोटे साइज के ब्रेड ले रहे हैं तो आप एक एक दो ब्रेड बढ़ा दे सकते हैं। अगर आप कम बनाना चाह रहे हैं, तो ये 14 ब्रेड है तो आप 7 ब्रेड का बनाना चाह रहे हैं, तो हम 14 ब्रेड के हिसाब से 6 अंडे ले रहे हैं और आधा लीटर दूध ले रहे हैं। तो आप अगर 3 अंडों का और 7 ब्रेड का बनाना चाह रहे हैं, कम बनाना चाह रहे हैं, तो आप पाव सिर दूध लें और 3 अंडे और 7 ब्रेड लें। और ये आलू और शिमला मिर्ची की इसकी क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और हमने यहाँ पर 14 ब्रेड के हिसाब से बना रहे हम, तो इसलिए हमने आधा लीटर दूध लिया है, 6 अंडे लगेंगे हमें, और शिमला मिर्ची हमने 100 ग्राम ली है। इसे अच्छे से इस तरह से बारीक चौक, इस तरह बारीक क्यूब्स में काट लिया है हमने। और आलू हमने 150 ग्राम लिया है, आप कम ज़्यादा आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते। और हरा धनिया हमने 4 टेबल स्पून लिया है। और हरी मिर्ची हमने 5-6 हरी मिर्ची किस तरह से बारीक चॉप कर दिया है। और ये चिकन स्टॉक लेंगे हम, 1 क्यूब्स लेंगे इसका सिर्फ। अगर ये ना भी हो, अगर आपके पास ना है तो आप नहीं भी ले सकते इसे, ये ऑप्शन है। अगर हमारे पास है तो हम डाल रहे हैं, अगर आपके पास ना हो तो नहीं भी डाले तो चलेगा। और आधा टीस्पून काली मिर्ची लगेगी, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, और 150 ग्राम हमने मकई के दाने, और 5 टेबलस्पून प्याज के, हरी प्याज के सामने की प्याज लिया है हमने, इसे बारीक चॉप कर दिया है, तो हमने 5 टेबलस्पून लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इन सब्जियों को एक पानी में बॉईल करके, पानी में शक्कर डाल के इन सब्जियों को उबाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जियों को बॉईल करेंगे। सब्जियों को बॉईल कर देंगे हम, और ये जो ब्रेड रखे हैं इसे हमें मिक्सर में थोड़ा मोटा मोटा होने तक पीसना है। हम बताते हैं आपको किस तरह पीसना है। तो इसे हम रफली इस तरह तोड़ तोड़ कर इस तरह एक जार में डाल देंगे। तो हम ये पूरे ब्रेड को पीस लेंगे, फिर इसके बाद हम सब्जियों को बॉईल कर लेंगे। ये इस तरह से हमने इसे बारीक पीस लिया है, ये इस तरह से हमें पीसना है। तो अब हम पूरे ब्रेड इस तरह पीस के एक उसमें रख लेंगे, फिर आपको बाद में बताएंगे कि इसको किस तरह बघारना है। और हमें बघारने के लिए 2 टेबलस्पून मीठा तेल भी लगेगा। तो ये अब हमने पीस लिए। आप आपकी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, आप पत्ता गोभी, बटाने, या आप जो भी आप गाजर, जो भी पसंद है आपको सब्जी, आप आपकी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो चलिए पूरे ब्रेड को इस तरह पीस लेंगे हम, इसके बाद सब्जियों को उबाल लेंगे। पानी को हमने 5 मिनट से बॉईल होने को रख दिया था, इसमें हम ये 1 टेबल स्पून शक्कर डाल रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें शक्कर डालेंगे, इसके बाद इसमें ये आलू डालेंगे। सबसे पहले आलू हम इसलिए डाल रहे हैं कि आलू को थोड़ा गलने के लिए टाइम लगता है, तो हम सबसे पहले इसमें आलू डालेंगे, फिर इसके बाद कॉर्न डालेंगे, स्वीट कॉर्न लिया हमने, वो डाल देंगे। ये
इसे 1 मिनट से 1.5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। और पानी डालेंगे, थोड़ा कम लग रहा है पानी। टोटल हमने 1.25 लीटर, 1 लीटर से थोड़ा और बढ़कर पानी लिया है बॉईल करने के लिए। तो आलू को अच्छे से बॉईल होने देंगे, इसके बाद फिर इसमें हम कॉर्न डालेंगे। ये आलू हमारे 1 से 1.5 मिनट से बॉईल हो रहे हैं, अब इसमें हम कॉर्न डाल देंगे। इसके बाद कॉर्न डाल देंगे, फिर इसके बाद शिमला मिर्ची डालेंगे हम इसमें। इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। ये कॉर्न भी हमारे 1 मिनट से बल रहे हैं, इसमें अब हम ये शिमला मिर्ची डालेंगे। हमें शिमला मिर्ची को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस इसमें डाल के 30 सेकंड तक बस बॉईल होने देंगे। इसके बाद हम फिर गैस को बुझा देंगे और एक छन्नी में से निथार लेंगे। चलिए अब हम गैस बुझा देंगे और इसे एक छन्नी में छान लेंगे। सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबलस्पून उतना तेल डालेंगे। आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं, हमने तेल डाला इसमें। थोड़ा अच्छे से गर्म हो देंगे, फिर इसके बाद सबसे पहले प्याज डालेंगे हम। प्याज को हमें बस हल्का से ही फ्राई करना है, इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं होने देना है। 1 से 1.5 मिनट तक इसे होने देंगे, फिर उसके बाद इसमें लहसुन डालेंगे। सबसे पहले इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे, ये जो हरी मिर्ची काट के रखा था हमने ये डाल देंगे। उसके बाद इसमें ये जो लहसुन रखा था उसे इस तरह से खिसके डाल देंगे। इस तरह से पूरा लहसुन हम इसमें खिसके डाल देंगे। हमने 10-12 कलियाँ ली थी लहसुन के, टोटल हमने 2 टेबलस्पून लहसुन लिया था और घिसे बाद ये 1 टेबलस्पून हुआ। तो आप 1 टेबलस्पून
अगर पीस के ले रहे हैं आप तो एक टेबल स्पून ले लें लहसुन। और सब्जियाँ की क्वांटिटी आप अगर बढ़ा रहे हैं तो फिर ब्रेड आप कम कर दें। हमने आलू 150 ग्राम और शिमला मिर्ची 100 ग्राम और कॉर्न 150 ग्राम लिया है। आप अगर 200 ग्राम ले रहे तो फिर आप 2 ब्रेड कम कर दें, या फिर आप सब्जियाँ 100 ग्राम ले रहे तो फिर आप ब्रेड की क्वांटिटी एक आध बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले से अच्छे से खुशबू आने तक भूनेंगे। फिर एक टेबल स्पून अपना 1 टेबल स्पून उतना नमक डाल रहे हैं हम। नमक कभी भी याद रखें आप, आपके हिसाब से टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। चक्कर डालें आप, क्योंकि सब्जियों में हमने नमक नहीं डाला था, ये हमने इस तरह से बॉईल करके एक छन्नी में छान लिया है। सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखें आप, अगर आप तेल के बदले आप बटर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी डाल सकते हैं। हम इसे चख लेंगे, अगर हमें लगा नमक कम है तो हम और डालेंगे। क्योंकि दूध में हम चिकन स्टॉक भी डालने वाले हैं, तो चिकन स्टॉक में नमक होता है, तो इसलिए अब ये बराबर है। अब इसमें हम ब्रेड जो पिस लिया हमने वो मिला देंगे। कोथमीर हरा धनिया जो है तो हम ब्रेड डाले हुए तो आखिर में डालेंगे। इस तरह से हमने पूरे ब्रेड को पिस लिया था, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल के मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। तरह से हम पूरा एक साथ डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, बस मिक्स कर रहे उतना ही, फिर रफली बस मिलाना है इसे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया हमने इसे। बस अब गैस को हम बुझा लेंगे। गैस बुझाने से पहले इसमें हम हरा धनिया रखा था इसे हम डाल देंगे। मिर्ची आप हरी मिर्ची आपके हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, काली मिर्ची भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चलिए ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम अंडे दूध और चिकन स्टॉक मिलाकर एक जार में पीस लेंगे।
चलिए अब गैस को बुझा देंगे। एक जार में सबसे पहले हम ये अंडे जो रखे थे 6 अंडे इसे डालेंगे। इस तरह से इस तरह से एक के बाद एक पूरे 6 अंडे हम डाल दिए। पांच हो गए ये 6 हो गए। चलिए हमने इसमें ये 6 अंडे डाल दिए हैं। इसमें ये जो काली मिर्ची रखी थी ये डाल देंगे और ये जो चिकन स्टॉक रखा था हमने इसे इस तरह से हमने थोड़ा एक पत्थर की खलबत्ते की मदद से हमने इसे थोड़ा रफली कूट लिया है मोटा मोटा और इसमें डाल देंगे। ये ऑप्शन है बहनों, अगर आपके पास चिकन स्टॉक ना भी है तो आप बिना उसके भी बना सकते हैं। ये हम सबसे पहले इसमें के बाद दूध डाल देंगे। ये टोटल हमने 1/2 लीटर दूध लिया है और इसे अब पीस लेंगे। हमने बेक करने के लिए इस तरह की एक कांच की बेकिंग ट्रे ली है। अगर आपके पास ये ना भी हो तो आप इस तरह का कोई भी चपटा भगोना या कोई भी आप जिसमें केक बेक करते हैं वो बेकिंग ट्रे ले सकते हैं। कांच के अलावा अगर आपके पास नॉन स्टिक है या फिर यह जर्मन का ऐसा इस तरह का भगोना है तो इसमें भी आप बेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर ये घी लगा लेंगे, असली घी। आप चाहे तो इस पर बटर भी लगा सकते हैं ब्रश की मदद से। इस तरह से और ओवन को हमने 200 डिग्री पे से गर्म होने के लिए 5 मिनट पहले से चालू कर दिया है। कभी भी याद रखें, आप कोई भी चीज़ बेक कर रहे हैं या केक बना रहे हैं तो ओवन को 5 से 6-7 मिनट तो भी गर्म पहले से गर्म करना चाहिए, तब का तब नहीं खोलना। हमने से 3 मिनट हुए हमें ओवन को खोल के, तो 4 से 5 मिनट पहले ओवन को कभी भी उसे गरम खोल उसे दोनों कॉइल खो चालू करके से 5 मिनट खोल लेना 200 डिग्री पे चालू रहने। और यह मटेरियल हम सब इसमें पूरा अच्छे से डाल देंगे। इस तरह चारों तरफ से अच्छे से डाल देंगे। इस तरह से पूरा Thank you.
ये अच्छे से हमने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें हम इसे अच्छे से तरह से चारों तरफ से बराबर प्रेस कर देंगे, इसे इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे बस। और ये जो दूध हमने अंडा दूध रखा था उसे इस तरह से हमने मिक्सर में घुमा लिया है, अच्छे से मिक्स होने उतना, ये दो एक से दो मिनट तक हमने इसे पिसा है। इस तरह से हम चारों तरफ से ब्रेड हमारे अच्छे से इस दूध और अंडे में भीग जाए उतना डाल देंगे हम। बहनों हमारे पास चीज़ है तो हम इसलिए इसमें चीज़ डाल रहे हैं, बस दो टेबल स्पून उतना चीज़ खींच के डालेंगे इसमें। ये ऑप्शन है, आपके पास अगर ना हो तो आप नहीं भी डालें तो चलेगा। तो हम इस पर चीज़ खींच लेंगे, ये चीज़ दो टेबल स्पून उतना। तरह से अच्छे से फैला देंगे। तो चलिए बहनों ये अब हमारा ओवन में रखने के लिए तैयार है, अब इसे हम ओवन में रखेंगे। हमने ओवन को अच्छे से गर्म होने दिया था तो अभी हम इसे टोटल 30 से 35 मिनट तक होने देंगे। तो अभी हमने दोनों कॉइल चालू रखा है, 10 से 15 मिनट से दोनों कॉइल पर रख के फिर बाद में 10 मिनट हम सिर्फ नीचे का कॉइल चालू करेंगे। तो अभी ये हमारा दोनों कॉइल चालू हैं तो अभी 10 से 15 मिनट हम इसे इसी तरह रहने देंगे, फिर बाद में सिर्फ नीचे का चालू करेंगे। तो 35 मिनट हमें टोटल लगेंगे। ये हमने 10-15 मिनट इसे दोनों कॉइल पे रहने दिया था और फिर इसके बाद हमने अभी सिर्फ नीचे का कॉइल चालू रखा है। और इसमें हम एक इस तरह के ये डाल के स्टिक डाल के देखेंगे, अगर ये हमारी ये इस तरह से अभी इसे और अच्छे से हो गया ये, अभी इसे हम और 7 से 8 मिनट तक रहने देंगे। और हमने इसे 230 डिग्री पे रहने दिया था। लीजिए बहनों ये हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है, इसे टोटल हमें 30 से 35 मिनट लगे इसे बेक होने के लिए। तो हमने उसे 20 मिनट दोनों कॉइल पे बेक होने दिया था, फिर बाद में हमने 10 मिनट सिर्फ नीचे का कॉइल रखा था, फिर बाद में और 10 मिनट हमने दोनों ऊपर नीचे कॉइल चालू रखे थे, तो इसलिए हमें टोटल 35 मिनट इसे बेक होने के लिए लगे। और हमने इसे 235 डिग्री पे इसे बेक होने दिया। इसमें हम इस तरह से जैतून है, हम इस पे इस तरह से गार्निशिंग कर लेंगे इसकी। इसे हम अभी एक पीस में से इस तरह कट करेंगे इसे। इस तरह से क्यूब स्टेप में इसे कट करेंगे। इसे चारों साइड से थोड़ा
छुरी की मदद से इस तरह से इसे निकाल लेंगे चारों तरफ से। इसे हमने अच्छी तरह से चारों तरफ से छुरी से कर दिया है, अब इसे हम निकालेंगे। इस तरह से इसे हमने इसे गरम गरम ही सर्व करना है हमें, इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। इस पे हम टमाटो केचप डाल के सर्व करेंगे। तो बहनों लीजिए, ये हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा बना था।